यूट्यूब के चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो एसटीटी रिजल्ट प्रकाशन हेतु बीएसपी बोर्ड पहुंचे अभ्यर्थी। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने उभर के आ रही है कि एसटीटी 2019 रिजल्ट प्रकाशन करे बीएसपी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बीएसपी बोर्ड तक पहुँचे हैं अभ्यर्थी, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये हवाला दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि 20 जनवरी को जो है इसकी पुनः जो है सुनवाई की जाएगी। तो पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और अभ्यर्थी जो है बीएसपी बोर्ड पहुंचे हैं। कई प्रकार के बदलाव जो है नियोजन में किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षकों के जो नियोजन की प्रक्रिया है, एलपीए की तैयारी की गई है, कई बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से जो है आवेदन लेने की बात कही जा रही है। 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर गायब हैं। ऐसे में देखिए सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी जो हैं नियोजन और रिजल्ट को जारी करवाने हेतु बीएसपी बोर्ड के कार्यालय तक पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब जो है रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि अब 20 जनवरी को जो है पटना हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है, और इस सुनवाई के बाद ये आश लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट का जो है वो प्रकाशन कर दिया जाएगा। ऐसे में आप सभी देख रहे होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक लंबे अरसे से कहीं ना कहीं बोर्ड जो है वो रिजल्ट को फंसाए हुए हैं। अभ्यर्थी बीएसपी बोर्ड तक पहुंचे हैं और बीएसपी बोर्ड के अधिकारियों से मिले हैं, और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशन की मांग अब तेज हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड करता रहा हूं कि जिस प्रकार से इलेक्शन जो है वो एक महीने के भीतर करा दिया जाता है और उसका रिजल्ट जो है वो त्वरित गति से आ जाता है, लेकिन जो शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया है या बहाली की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है, वो समय पर पूरा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बड़े सवाल सामने उभर के आते हैं कि आखिरकार प्रशासन कब तक जो है इस प्रकार का काम करेगा, और लंबे अरसे से जो अभ्यर्थी इस इंतज़ार में बैठे थे कि भाई उनकी बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो, तो कहीं ना कहीं उनकी बहाली की प्रक्रिया में जो रुकावट आई है उससे ये साफ तौर पर बात क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं विभाग जो है इस मूड में नहीं है कि शिक्षकों की बहाली की जाए। सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या फिर एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, प्राथमिक शिक्षक नियोजन की बात करें, हम किसी भी नियोजन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वही ढाक के 3 पात नज़र आ रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों की एक लंबे अरसे से मांग थी कि भाई उनका रिजल्ट जो है उस समय प्रकाशित किया जाए। ऐसे में सीटीईटी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं, वो एसटीटी रिजल्ट की मांग जो है वो अब तेज कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जो है उनका रिजल्ट जारी किया जाए। और हम सभी को, चाहे वो बिहार के कोई भी विद्यार्थी हों, सभी को अब इंतज़ार है कि भाई पटना हाई कोर्ट में जो है जो फैसला रुका हुआ है एसटीटी को लेकर, चाहे मैथ के कैंडिडेट्स ने इस पर केस किया हो, चाहे सिलेबस को लेकर इस पर केस किया गया हो, कहीं ना कहीं इन सभी कारणों से जो है ये प्रक्रिया जो है फंसी है। और मैं आपको बता दूं कि भाई 20 तारीख को जो सुनवाई होनी है 20 जनवरी को, उसका कुछ निर्णायक फैसला सामने उभर के आएगा, और जो अभ्यर्थी बीएसपी बोर्ड तक पहुंचे हैं उन केवल एक ही मांग रही है बोर्ड से कि उनका जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी प्रकाशित किया जाए। विभाग जो है इतना देख सकते हैं दोस्तों कि चुप्पी साधे हुए है, और क्यों नहीं वो रिजल्ट दे रहा है। और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई के शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसे में बिना शिक्षकों के कैसे जो है वो प्रक्रिया पूरी होगी विद्यालयों में पढ़ाने की। तो कह सकते हैं कि भाई विभाग की लापरवाही जो है वो सामने उभर के आई है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है मेरा कि धैर्य बना के रखें, और 20 जनवरी का इंतज़ार है कि भाई पटना हाई कोर्ट में कोई फैसला ज़रूर आएगा, और इस फैसले के बाद जो है एसटीटी का रिजल्ट प्रकाशित होगा। कई सारे देखिए बातें जो है वो सामने उभर के आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिलेबस को लेकर जो केस किया गया है उस केस के द्वारा अब कहीं ना कहीं रिजल्ट पे जो है वो ग्रहण लग भी लग सकता है और पुनर्परीक्षा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 साल से एसटीटी का फंसना, ऐसे में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी कहीं ना कहीं निकल रही है, फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है, मेरिट लिस्ट में फर्जी अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अब रोक लगाना अति आवश्यक है। फर्जीवाड़ा को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा तब तक जो है ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सभी से मेरा यही कहना होगा कि बस एकजुट होइए, धैर्य बनाइए, और आपकी बहाली जल्दी जल्दी पूरी होगी। हम चाहते हैं कि 2021 में आपका सपना पूरा हो शिक्षक बनने का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।